अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जाए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं आपके प्रॉफ से, जो अपकमिंग प्रॉफ है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजियोलॉजी में, उनके बारे में थोड़ी सी आपको गाइडेंस दी जाए। ये जितने भी बच्चे हैं एमएलटी के, नर्सिंग के या दूसरे फार्मेसी या किसी और भी फील्ड के जो एलाइड हेल्थ साइंसेज में आता है, ये उनके लिए एक कह लीजिए गाइडेंस है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम बात करें टॉपिक्स की, एक डिस्क्लेमर है कि बेटे दिस इज़ नॉट अ गैस, ये गैस पेपर नहीं है, ये वो टॉपिक्स भी नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश है आप लोगों को एक स्ट्रक्चर देने की। आप लोग क्योंकि अब एक आध महीना रह गया है इम्तिहान में, जो यूनिवर्सिटी के इम्तिहान है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट है जो कि मेरे ख्याल से आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो तैयारी है उसको वो फैसिलिटेट करेगा, उसमें आपकी हेल्प करेगा। आपको एक सिम्त मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। बेटे आपका जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम होगा वो यूएचएस खुद सेट करेगा, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं और उनका अपना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है जिसके मुताबिक आपका पेपर सेट होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट वाइज मैंने इनको डिवाइड किया है। तो पहला जो है वो, जो आप जब छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये मैं पहले से बता दूं कि पढ़ना सब कुछ होता है, लेकिन ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, ठीक है, जिस पे आपने ज़रा जोर दे के पढ़ना है। इसको रिवाइज भी पहले करना है और इम्तिहान से पहले भी अगर इस पर नज़र दौड़ा लें, इन ये सारी जो लिस्ट है यहाँ से लेकर एंड तक सारे टॉपिक्स की वो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये है जी जो फीडबैक मैकेनिज़म्स हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। इसमें फीड फॉरवर्ड मैंने लिखना भूल गया, फीड फॉरवर्ड भी लिख लीजिए। डिफाइन आपको करना आना चाहिए और इसकी कम से कम एक एग्जांपल आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज सारी करने हैं, लेकिन जो उसमें खास तौर पर करने हैं वो प्रोक्सोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं और गोल्जी ऑपरेटर्स पर ज़रा नज़र दौड़ा लीजिएगा। और फिर सेल डिवीजन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और सेल साइकिल के स्टेप्स, इसको पूरा जो है इस कहानी को रिवाइज यानी एक दफ़ा तो पढ़ा होगा आपने ऑब्वियसली, लेकिन इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसके स्टेप्स को रिवाइज करना है। तो अगर कहीं पे लिस्ट फॉर्म में मिलता है तो वेल एंड गुड। ये तीनों चीज़, ये चारों चीज़ें, वन डिवीजन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और सेल साइकिल, इसका स्टेप्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये हो गया सेल। जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्ट भी है, इसमें से MCQs आ जाते हैं। और जो BSN के बच्चे हैं उनके लिए इसमें ज़ाहिर है ICQs भी आएंगे। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, ये डिफाइन करना आना चाहिए विद सम एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, उसको उसकी डेफिनेशन विद एटलीस्ट वन एग्जांपल, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको ICQs आएंगे। उसके बाद नर्व एंड मसल है, ठीक है। नर्व एंड मसल में भी नर्व अलग मेरे ख्याल आपको पढ़ाया गया है, मसल आपको अलग पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इसके मोटे मोटे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं और थोड़ी सी डायरेक्शन भी दी है आपको। जैसे ये आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक नर्व मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन, वैल्यू और सोडियम और पोटेशियम का इसमें क्या रोल है, ठीक है। हम जानते हैं कि पोटेशियम का इसमें बड़ा की रोल है, ठीक है, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है सोडियम से, ये बहुत ज़्यादा मेन किरदार अदा करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है। इसी तरह नर्व एक्शन पोटेंशियल है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या है, ठीक है। और इसमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो मैं यहाँ पे आप ऐड कर लो, थ्रेशोल्ड क्या होता है, कितना होता है, ठीक है। और यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कितना थ्रेशोल्ड अचीव करेगा तो डीपोलराइज हो जाएगा ये नर्व, ठीक है। और फिर उसका डिफरेंस क्या होगा फ्रॉम रीपोलराइजेशन, यू नो कि ये सोडियम से होता है और ये पोटेशियम से होता है। सोडियम के इनफ्लक्स से डीपोलराइजेशन होती है और पोटेशियम की इफ्लक्स से रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स, फंक्शनल एनाटमी यानी फंक्शनल डिफरेंस, फंक्शनल एनाटमी मोटे मोटे डिफरेंसेस क्या हैं इसमें। सो फॉर एग्जांपल स्केलेटल कार्डिक मसल्स स्ट्राइटेड नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, पता है आपको इस बात का, स्मूथ स्ट्राइटेड नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह की दो तीन पॉइंट्स जो एनाटॉमिकल पॉइंट्स हैं, कभी कभी फिजियोलॉजी में भी उनको पूछ लिया जाता है, ठीक है। सार्कोमेयर क्या होता है और उसके वेरियस बैंड्स क्या होते हैं, वो AI बैंड, वो सारी चीज़ें। फिर स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल का ख़ास तौर पर इनकी कॉन्ट्रैक्शन के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, यानी वो पूरी तरतीब क्या होती है जिसकी वजह से ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो ये वो सारा मामला आते हैं, इसको भी अगर आप बुलेट फॉर्म में रिवाइज करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। सिर्फ डिफाइन आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज या मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये पता होना चाहिए। जिस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसका था, इसी तरह सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग का भी पता होना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कैसे कराता है, ठीक है, उसमें कैल्शियम का किरदार क्या होता है, कैल्शियम कहाँ से निकलता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है, फिर वो किधर जाता है, ठीक है, कहाँ पर जाके बाइंड करता है, ठीक है, एक्टिन पे या मायोसिन पे, ठीक है, किस पार्ट ऑफ एक्टिन पे वो बाइंड करता है, ठीक है, फिर वो डिटैच होता है, वो सारा कुछ। ये अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यानी अगर आप ये बुलेट फॉर्म में पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ब्रीफ ओवरव्यू, आपको पता होना चाहिए कि मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं, किसके खिलाफ बनती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये एक ब्रीफ समरी है नर्व एंड मसल के टॉपिक्स की। उसके बाद ब्लड आ जाता है। ब्लड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मुश्किल है इसमें पिन पॉइंट करना, लेकिन फिर भी चलें। शेप्स और फंक्शंस ऑफ वेरियस ब्लड सेल्स तो आपको पता होने चाहिए, यानी आरबीसीज तो खैर ऑब्वियस है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज कई होते हैं आगे से, ठीक है, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, फिर लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको पढ़ाए गए होंगे, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रेड ब्लड सेल्स बनते कैसे हैं, ठीक है, इसमें रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी थोड़ा सा देख लेना। अनीमियाज की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए और ज़रा थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना कि आयरन डेफिशिएंसी और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया क्या होते हैं, ठीक है। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन में ख़ासतौर पर यंग बच्चियों में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर बात होती है इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, डिफाइन तो उसको करना आता होगा। लाइंस ऑफ डिफेंसेस, यानी इन्फ्लेमेशन में पीछे लाइंस ऑफ डिफेंसेस में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट मौकों पे कौन कौन से रिलीज हो रहे होते हैं और क्यों रिलीज हो रहे होते हैं, वो थोड़ी सी आउटलाइन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें 4 लाइन्स ऑफ डिफेंसेज होते हैं बेटे, ये देख लेना। फिर बात आ रही है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जिसे आप मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी कहते हैं, यह आना चाहिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ABO और RH बेस्ड जो ब्लड ग्रुप्स हैं, बेसिकली ब्लड ग्रुप्स पता होने चाहिए कितने होते हैं, कौन से होते हैं, और से फॉर एग्जांपल B पॉजिटिव को B पॉजिटिव क्यों कहते हैं। B पॉजिटिव बाय द वे काफ़ी कॉमन ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसमें B और ये जो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक बात है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ठीक है। और एंड में आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटारिस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता होना चाहिए, ओके। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटे पता होनी चाहिए। फिर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में बुनियादी फ़र्क मालूम होना चाहिए। बी लिम्फोसाइट्स के तमाम फंक्शंस कर लेना, एंटीबॉडीज़ के तमाम टाइप्स और फंक्शंस कर लेना, मैंने डिटेल्ड लफ्ज इसलिए लिखा है यहाँ पे। टी लिम्फोसाइट्स की तीनों टाइप्स कर लेना अच्छी तरह फंक्शंस के साथ डिटेल में। और एड्स किस टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स की कमी की वजह से वाक़या होती है, ये भी करना। स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस, अच्छा यहाँ पे अब बहुत ज़रूरी है, सेल में, मैं ये लिखना भूल गया कि सेल में होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, होम्योस्टेसिस। अब यहाँ पे पता नहीं मुझे लिखने देगा, हाँ ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना बेटा जी, ये हो गया डिफाइन होम्योस्टेसिस। अब हम आते हैं ब्लड पे। ब्लड पे आपने देखा हीमोस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस तो इंटरनल एनवायरनमेंट की ओवरऑल रेगुलेशन कहते हैं। हीमोस्टेसिस किसको कहते हैं? हीमोस्टेसिस कहते हैं कि ब्लड जो है वो वेसल के अंदर ही रहे, बाहर ना आ जाए, और अगर बाहर आए भी तो उसको तरीके के साथ क्लॉट करके या कोई एग्लेशन करवा के उसको दोबारा से मामले को नॉर्मलाइज कर देना। सो ब्लड से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको हीमोस्टेसिस कहते हैं, हीमो, और होम्योस्टेसिस तो वो जो ओवरऑल चीज़ है। तो ये फ़र्क मालूम होना चाहिए, पता लगे। वो आपको कहे एसईक्यू में नर्सेस को और दूसरे जो बच्चे हैं जिनको एसईक्यू आएगा कि डिफाइन हीमोस्टेसिस, और आप वहाँ पे होम्योस्टेसिस लिखाएं, ये बहुत बड़ी ब्लंडर होती है और हो जाती है बच्चों से, ठीक है। तो ये ज़रा देख लेना इसको गौर से। फिर जो ब्लड कोएगुलेशन है उसमें आपने पढ़ा होगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज, ये डिफरेंट होते हैं, इनके ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इनके पाथवेज थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उनको देख लेना, उनकी आउटलाइन देख लेना, और खुसूसन उसमें रोल ऑफ कैल्शियम क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या पार्ट प्ले करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड में ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम का पता होना चाहिए विद सम नॉलेज ऑफ हीमोफीलिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ओके। अब हम आते हैं हार्ट की तरफ। हार्ट भी एक अच्छा दरमियाने लेवल का यूनिट है। इसमें जो नुमायाँ टॉपिक्स हैं वो कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल है, वो जो पूरा आपने पढ़ा होगा प्लेटो वाला, उसमें प्लेटो की सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव पीरियड्स की जो दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, इनकी सिग्निफिकेंस बेटे पता होनी चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई कार्डिक मसल कैन नॉट, कांट लिखा है मैंने, यानी कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म, इसको देख लेना, कैन नहीं कैन नॉट है ये, कांट बी टेटनाइज्ड, ठीक है, उसको टेटनाइज नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है ये भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात फिर वो कार्डिक साइकिल है। कार्डिक साइकिल एक बहुत ह्यूज किस्म की चीज़ है, लेकिन अगेन इसमें जो कम अज़ कम आना चाहिए वो प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस इनसाइड लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। सो ए कार्डिक साइकिल में लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन से प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस आते हैं, यानी सिस्टली और डायस्टली में, वो मालूम होने चाहिए, ठीक है। फिर डेफिनेशंस पता होनी चाहिए बड़ी क्लियरली, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट में फ़र्क क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम एक कॉन्ट्रैक्शन में जो एक वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड बाहर फेंकता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। कार्डिक आउटपुट हार्ट एज अ होल एक मिनट के अंदर कितना ब्लड बाहर फेंकता है वो कार्डिक आउटपुट होता है। तो ये पर मिनट है बेटे, यानी यूनिट ऑफ टाइम इसमें है मैंशन, ये है पर कॉन्ट्रैक्शन, तो फ़र्क है दोनों में। प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या होता है? प्रीलोड वो वॉल्यूम है जो हार्ट में आ रहा है, ठीक है, जिसपे फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आफ्टर लोड वो प्रेशर है जिसके अगेंस्ट इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। सो एओर्टा में जो प्रेशर है या पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के लिए आफ्टर लोड का किरदार अदा करता है। इसके बाद फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ आपको पता होना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी बड़ा क्लियरली दिया हुआ है। ऐसे नोडल एक्शन पोटेंशियल भी मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। इसमें और इसमें बड़े बुनियादी फ़र्क हैं बेटे, उसकी शेप ही देख के आप बता सकते हो कि ये दूर से ही कि जी ये कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल है और ये ऐसे नोडल एक्शन पोटेंशियल है। वो जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ये भी इसको ज़रूरी है देखना। फिर ऐसे नोड से कार्डिक इंपल्स जनरेट होती है, जैसे आप जानते हैं, ठीक है, ये कार्डिक पेसमेकर है, नॉर्मल पेसमेकर है। जब वो कार्डिक इंपल्स बन जाती है तो वो अब कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है, एट्रिया से गुजरती है, फिर एवी नोड से गुजरती है, वेंट्रिकल्स में आ जाती है। वो सारे जो पाथवे है विद टाइमलाइन, ये भी एक दफ़ा इस पर नज़र दौड़ा लेना, शायद इसका कोई आड़ा तिरछा क्वेश्चन आपको आ जाए। नॉर्मल ECG वेव्स का आपको पता होना चाहिए और जो 12 लीड्स हैं ECG की वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा रिदमियास मेरा ख्याल है कि आपके लेवल पे ज़रूरी नहीं है। बहरहाल तो मैंने टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया ही लिखा है। सर्कुलेशन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट्स, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि इसको मैं किसी तरह से समराइज़ करूँ। ये इसके लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं आपके। सो रेनॉल्ड्स नंबर को रिव्यू कर लेना, ओहम्स लॉ को रिव्यू कर लेना और पॉइजलीज लॉ को रिव्यू कर लेना, ठीक है। दिस इज़ फॉर, इसमें से ओहम्स और पॉइजलीज में MCQs भी आ जाते हैं MLT स्टूडेंट्स के लिए और BSc नर्सिंग के लिए और दूसरे एलाइड हेल्थ साइंसेज जिनको SCQs आते हैं उसमें, इसमें से MCQs आ जाते हैं बेटे। SCQ वैसे इसमें रेयर ही है। स्टार्लिंग फोर्सेज जो कैपिलरी के क्रॉस होती हैं, यानी फोर्सेज विच कॉज फ्लूइड टू मूव आउट and forces that inhibit movement of fluid out of the capillaries, वो सारी स्टार्लिंग फोर्सेज के अंडर आपने पढ़ी होंगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, वो वाली, वो आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। और उनकी क्या ऐसी डिस्टर्बेंस होती है कि एडीमा फॉर्म हो जाता है, ये भी थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेना, वो साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। सेंट्रोवीनस प्रेशर किसको कहते हैं? राइट एट्रियल प्रेशर। एट्रिया में, राइट एट्रिया में, हार्ट में जो प्रेशर होता है उसको सेंट्रोवीनस प्रेशर कहते हैं। इसको थोड़ा सा देख लेना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने इस पर कॉमेंट किया हुआ है अपने लेक्चर में। अब डेफिनेशंस और वैल्यूज़, ये जो सारे मामलात हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और सेम इज गोज फॉर पल्स प्रेशर। जहाँ तक बात है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की, ये बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन इसमें ये दो चीज़ें बहुत क्रूशल हैं कि आपको आनी ही आनी चाहिए। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पता होना चाहिए और रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। कार्डिक आउटपुट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हाउएवर मैंने उसमें ये बस डिफाइन करना आना चाहिए ज़रूरी है, और फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं कार्डिक आउटपुट को वो आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इसी के सब्सिडरी मैंने लिखी है वीनस रिटर्न और उसके फैक्टर्स जो रिटर्न है, ये इसका क्योंकि चोली दामन का साथ है कार्डिक आउटपुट के साथ, इन दोनों का, इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है। इसके अलावा वाइंडिंग अप सर्कुलेशन, एक्सरसाइज में सर्कुलेशन में क्या चेंजेस आती हैं, ये एक फ्लो चार्ट है वो देख लेना। लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल जो कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा था मेरे लेक्चर्स के दौरान, इसमें जो आप एम्फसाइज करना है एग्जाम के लिए वो कॉरोनरी, मसल और स्किन में करना है। ऑटो रेगुलेशन का पता होना चाहिए और एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। सबसे बड़ी एग्जाम्पल रीनल GFR है, ये उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और एंड में आपने सर्कुलेटरी शॉक्स जरा देख लेने हैं, उसको डिफाइन कर लेना और थोड़ा सा उसके बारे में देख लेना वो क्या चीज़ है। राइट, इसके बाद हम रेस्पिरेशन पे चलते हैं। रेस्पिरेशन एक कदरे छोटा यूनिट है लेकिन ज़रा टेक्निकल है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के मसल्स अलग अलग हैं। एट रेस्ट कम मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज़्यादा मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये ज़रा ये थोड़ा सा रट्टा है इसमें, अगर डायग्राम के साथ पढ़ लोगे तो रट्टा कम होगा और समझ के ज़्यादा पढ़ लोगे। ठीक है, डेफिनेशन और वैल्यूज़ ऑफ प्लूरल प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, बेटे ये तीन प्रेशर्स मालूम होने चाहिए, ये इंटर रिलेटेड हैं। फिर कंप्लायंस का पता होना चाहिए, डिफाइन करना और वैल्यू यूनिट के साथ। फिर अब ये तीन एक है, फिर कंप्लायंस का टॉपिक है, और फिर ये जो है ये एक अलग चीज़ है, टॉपिक है। डिफरेंस और डिफरेंट जो ये डिफरेंस लिखा गया है गलती से, ये डिफरेंट है, डिफरेंट होना चाहिए इसको, डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज़, ठीक है पता होना चाहिए। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वैल्यू क्या होती है उसकी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी का पता होना चाहिए क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं ये। फिर बेटा जी ये जो है ना एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ये मालूम होना चाहिए इसमें क्या फ़र्क है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस हम सब में होता है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज़ एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एनी एबनॉर्मल डेड स्पेस जो मौजूद हो लंग में, उसको फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है, एक आउटलाइन लंग जोन्स की मालूम होनी चाहिए, 1, 2, 3 कौन कौन से लंग जोन्स होते हैं ये याद रखना। 1 जो जोन 1 है वो ये वाला है, ये वाला, ये एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्मल लोगों में, ये बहुत ही थोड़ा सा करता है। यूजली नॉर्मल लोगों में जोन 2 और 3 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा है तो ये लंबा टॉपिक, लेकिन वही बात है कि इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से स्पेशली MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बस इसकी लिमिटेड है। इसमें एक चीज़ ज़रूर देख लेना कि ये डेड स्पेस और शंट की जो डेफिनेशंस हैं वो भी देख लेना। इधर ये डेड स्पेस आएगा, यानी इसी टॉपिक में आपको डेड स्पेस भी जिस किताब से भी देखोगे या जो मैं रिविजन लेक्चर्स करूँगा उसमें मैं यहाँ भी हल्का सा जिक्र करूँगा डेड स्पेस और शंट का। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए लंग जोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में किस तरह से कैरी किया जाता है। बेटा जी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको भी अगर आप शार्प तरीके से रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहोगे तो आपने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अच्छी तरह करना है। ठीक है, इसके साथ ही बोहर इफेक्ट लगा हुआ है, वो भी बड़े आराम से हो जाता है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा बोहर इफेक्ट का। ठीक है, इसको भी मैं रिविजन वीडियो में थोड़ा सा टच करूँगा। हेल्डेन इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, ये भी बड़ी एक छोटी सी चीज़ है और आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड लास्ट जो पॉइंट है वो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है। इट्स अगेन अ बिग टॉपिक, बट इन माय ओपिनियन फॉर यू नेम एंड फंक्शन ऑफ CNS सेंटर्स एंड अंडर केमिकल कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स इज इनफ। ठीक है, ये जो सेकंड लास्ट बात अब आ गई, आउटलाइन ओनली इसलिए लिखा है कि ये भी बड़े टॉपिक्स हैं, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड और डीप सी डाइविंग, लेकिन आउटलाइन ठीक है आपके लिए काफ़ी है। रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एट हाई एल्टीट्यूड एंड ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग, अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ब्रीफली इन माई रिविजन वीडियो स्पेशली फॉर यू गाइज। एंड में हाइपोक्सिया की डिफाइन डिफरेंट टाइप्स आपको आनी चाहिए नाम के साथ। ओके, नेक्स्ट अप इज किडनी। किडनी में आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑब्वियसली नेफ्रॉन के आने चाहिए, स्पेशली अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का, जिसको फिल्ट्रेशन बैरियर भी कहते हैं, वो आना चाहिए। ये गालिबन मैंने कराया है, हाँ मैंने किडनी कराई है आपको, ये मैंने आई हैव गॉन थ्रू डिटेल्स ऑफ दिस, वो देख लेना। GFR complete topic आपको आना चाहिए, डेफिनेशन, वैल्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड मेजरमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स की आपको आउटलाइन आनी चाहिए, यानी उसका फंक्शन क्या है और उसकी रिफ्लेक्स आप में कौन कौन हिस्सा लेता है, यानी सेंसरी उसकी जो एफरेंट है वो कौन सी है और ईफरेंट उसकी कौन सी है। रिमेंबर ईफरेंट इज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं टर्टूसर मसल को ड्यूरिंग मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। फिर बात आ जाती है जिस तरह से मैंने लेक्चर्स लिए थे, मैंने उसे गाइटन का मैंने फॉर्मेट नहीं लिया, वो बहुत लंबा फॉर्मेट है, मैंने उसको इस इन हेडिंग्स में जो BRS से कंप्लाई करती हैं वो ली थी, नेफ्रॉन हैंडलिंग ऑफ सोडियम, वाटर, ग्लूकोज एंड पोटेशियम। ग्लूकोज में जो स्प्ले है कर्व्स का उस पर मैंने बात की थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, BRS से भी देख सकते हैं। रीनल रेगुलेशन ऑफ ECF वॉल्यूम, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको कंप्रेस करूंगा एक रिवीजन वीडियो में इंशाल्लाह सून। ऑस्मोलैरिटी भी एक बड़ा टॉपिक है, मैंने इसको अपने जो रूटीन वाला लेक्चर था आपके लिए उसमें मैंने इसको छोटा किया है। इसमें ADH का फंक्शन बहुत ज़रूरी है, वो आपको वैसे आना ही चाहिए। हाउएवर ये जो बात है काउंटर करंट, मल्टीप्लिकेशन और एक्सचेंजर की और यूरिया साइकिल की, ये तीन चीज़ें आपको सिर्फ ब्रीफली आनी चाहिए, ठीक है। डिटेल पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन करती क्या है, एक्सचेंजर करता क्या है और यूरिया साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एसिड बेस जो रेगुलेशन है वो भी पूरा एक टॉपिक है। हाउएवर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट किडनी कैसे हैंडल करती है और डेफिनेशंस आनी चाहिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस की। अब हम CNS की बात करते हैं, तो CNS में आपको पता है कि तीन मेन डिविजन्स हैं, सेंसरी, स्पेशल सेंसेस और मोटर एंड हायर सेंसेस, ठीक है। तो सेंसरी में हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। रिसेप्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, उनकी टाइप्स और फंक्शंस। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, ऑलराइट। फिर सिनैप्सेस, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स का आपको पता होना चाहिए बेटे, DCMLS और एंटरोलैटरल सिस्टम, और ये पता होना चाहिए कि उनमें वो ट्रैक्ट्स हैं वो क्या कैरी कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर वेरी ब्रीफली उनके लीजन्स अगर आपको पता हों तो ये भी एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है, कोई अड़ा तिरछा कभी MCQ आ जाता है। सेंसरी कॉर्टेक्स, जहाँ पे ये टर्मिनेट होते हैं, वो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी सोमैटिक कॉर्टेक्स है, वो मालूम होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली पेन का टॉपिक अच्छा आना चाहिए, टाइप्स कितनी होती है पेन की, फास्ट, लो एंड रैपिड पेन में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा स्पेशल सेंसेस हैं, स्पेशल सेंसेस में ये आई वाला पोर्शन है, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्टस ह्यूमर, ग्लूकोमा का पता होना चाहिए, विजुअल साइकिल का पता होना चाहिए, वो रॉड्स एंड कोन्स वाला सारा मामला, कलर विजन का पता होना चाहिए, विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल पाथवे, ये ईयर है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई की क्या इंपॉर्टेंस है और ये किधर होता है, और पाथवेज, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और टेस्ट पाथवेज का एक आप वो फ्लो चार्ट देख लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। CNS मोटर एंड हायर सेंसेस में आपको जो इसमें जो मोटर कंपोनेंट है वो है जनाब अली यहाँ तक, ये सारा मोटर है, इसको हम मोटर कहते हैं। इसमें मसल्स आ जाते हैं, इनर्वेशन मसल्स की, सेंसरी इनर्वेशन क्या होती है, मोटर अल्फा और गैमा फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें मसल स्पिंडल का जिक्र बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। मसल स्पिंडल्स का फंक्शन बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़रा ये अच्छी तरह करना है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस में स्ट्रेच और विथड्रॉल ज़रा अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। डिसेंडिंग मोटर ट्रैक, जैसे सेंसरी में आपने असेंडिंग देखे थे, ये देखो असेंडिंग देखा था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स होते हैं, ये नीचे आ रहे होते हैं, ये मोटर फंक्शन करवाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। इसके अलावा ये जो बिट है, ये वाला जो बिट है, ये वेस्टिबुलर ऑपरेटस से रिलेटेड है, इसमें ऑटोलिथ ऑर्गन्स आते हैं और सेमी सर्कुलर कनाल्स आते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग मोटर में ही गिनते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 मेन टॉपिक्स हैं मोटर के, ठीक है। इनमें क्या करना है वेस्टिबुलर ऑपरेटस में, इसमें ब्रीफली नाम और फंक्शंस, ऑटोलिथ ऑर्गन्स के, यूट्रिकल और सैक्यूल 2 ऑर्गन्स हैं, उनके नेम्स मैंने बता दिए, फंक्शंस बस देख लेना, ठीक है। और सेमिसर्कुलर कैनाल्स का 3 होती हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से बेटा जी ऑनवर्ड्स हायर सेंटर्स, हम उनको हायर सेंटर्स कहते हैं, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम। ये मैं टेबल फॉर्म में आपको रिवीजन वीडियो में इंशाल्लाह कराएंगे, उधर देख लेना या किसी BRS टाइप किताब से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेन वेव्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप क्या है, डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी, और अगर उनके टाइप्स के नाम आए तो वो भी अच्छी बात है। एंड जो है वो जनाब अली CSF प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी एक छोटी सी एनाटमी है और उसकी कंपोजिशन CFI अपना ECF फ्लूइड से कैसे मुख्तलिफ होती है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड लास्ट यूनिट, एंडोक्रिनोलॉजी और रिप्रोडक्शन मैंने एक साथ टुगेदर लंप कर दिए हैं। इसको करने का बेहतरीन तरीका वही है कि या तो आप वो रिविजन वीडियो देख लीजिएगा, या इफ़ यू लर्न मोर बाय रीडिंग तब आप ये कर सकते हैं कि आप BRS उठाएं। ठीक है, और आपने बुनियादी तौर पर ये तीन चीज़ें, स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन और फंक्शन, हर इन हॉर्मोन्स के कर लेने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा याद करने वाली चीज़ करनी पड़ेगी। अब मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि अगर वीडियो बनाई जाए इसकी तो इस तरह की आपको कोई तस्वीर दिखा दी जाए कि आपको इसका फंक्शंस कम से कम ग्रोथ हार्मोन, थायराइड, इंसुलिन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जहन में एक निशानी लग जाए कि जी ये कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह फ़ायदा होता है, या निमोनिक्स बना दिए जाएँ, छोटे छोटे एब्रीवेशन उनके फंक्शंस के बना दिए जाएँ। ये खैर देखा जाएगा जब इंशाल्लाह वो वीडियो बनेगी, उसमें मैं डिफरेंट रिसोर्सेज इंशाल्लाह देखूंगा तो वो सब देखा जाएगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू रीड BRS से बड़े अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। BRS में बहुत अच्छे टेबल्स दिए हैं बेटे, उसमें से देख लेना इसको। ब्रीफ नॉलेज ऑफ जाइगेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म पढ़ लेना, ग्रोथ के साथ, थायराइड के साथ, ब्रीफली हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म देख लेना, इनमें क्या फ़र्क होता है। इंसुलिन में ऑब्वियसली डायबिटीज़ मेलाइटिस का आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है वो पैदाइशी होती है, टाइप 2 बाद में डेवलप होती है, ओबेसिटी के साथ इसका लिंक होता है। कोर्टिसोल के साथ आप थोड़ा सा कुशिंग सिंड्रोम की थोड़ा सा डिफाइन देख लेना कि क्या इस सिंड्रोम में मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा ये जो तीन चीज़ें हैं ये रिप्रोडक्शन का हिस्सा भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजी का बहरहाल हिस्सा भी हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन, ईस्ट्रोजन का फंक्शन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आना चाहिए। इसका जो रिप्रोडक्शन का कंपोनेंट है, मेल रिप्रोडक्शन में ये तीन चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं, ये काफ़ी ज़रूरी हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनते कैसे हैं, कहाँ पे बनते हैं, एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, कैपेसिटेशन क्या होती है स्पर्म्स की, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्शन में ओवेरियन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता होना चाहिए। ठीक है, आखिरी बात जनाब GIT है। आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस सलाइवा के, स्टमक और पैंक्रियाटिक जूस के और बाइल के कम से कम मालूम होने चाहिए। आपको गट नर्वस सिस्टम की इनर्वेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी इनर्वेशन क्या है, यानी इसकी वॉल में जो इंट्रेंसिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, किस तरह से लेट डाउन है, और फिर इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी कंपोनेंट है, वो किस तरह से इनर्वेट होता है, वो क्या काम करता है, ये पता होना चाहिए। लॉ ऑफ गट पता होना चाहिए कि पेरिस्टालसिस जो है वो ओरल से एनस तक जाती है और इस सीक्वेंस में जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेस्टिनल मूवमेंट्स पता होनी चाहिए। स्टमक में एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी एसिड प्रोडक्शन का HCl कैसे बनता है, और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक अल्सर्स कैसे बनते हैं। जब म्यूकोजा की जो म्यूकस लेयर है वो ख़त्म अगर हो जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर बन सकता है। ठीक है, एंड जो है वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है, इसका आपको इल्म होना चाहिए। इसकी डबल इनोवेशन का पता होना चाहिए कि ये इंट्रेंसिक नर्वस सिस्टम में इसका क्या कंपोनेंट है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें इसका इस रिफ्लेक्स का क्या कंपोनेंट है। मेन जो है वो ऑटोनॉमिक है। ठीक है, ओके, ये फाइनल पॉइंट है। अगेन मैं ये कह दूं कि ये जो बेटे सारे टॉपिक्स हैं ये सिर्फ हमारा एक अंदाज़ा है, और इसका अल्लाह करे इन्हीं में से आपका एग्ज़ाम आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं में से आएगा। इनके बाहर भी जो टॉपिक्स हैं उसमें आ सकता है। यूनिवर्सिटी समझ वो उनका काम है, और हमारा काम ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें। एंड मैं आप सबको आपके लिए दुआगो हूँ, इंशाल्लाह आपका इम्तहान अच्छा सा हो जाए और आप लोग इंशाल्लाह ना सिर्फ इस इम्तहान में बैठे बल्कि और सारे इम्तहानों में आप हमेशा कामयाब हों। अस्सलाम वालेकुम।